आज आपके सामने रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम है आपका मेजोमेरिक इफेक्ट। भूख में दोनों नाम का जिक्र होता है। जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन में कभी रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। ध्यान रखिए कि दोनों ने मेरा क्या है, सेम है। आज तक खाली रेजोनेंस सुने होंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट पहली बार सुन रहे होंगे। अगर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉडी पढ़े होंगे ना, तो वहाँ से कुछ रेजोनेंस का बारे में बताया गया। इसका दूसरा नाम मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो नहीं बताया गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिम्बॉल क्या होता है। यहाँ पर देखिए सिम्बॉल, आखिर रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो बताइए रेजोनेंस का फर्स्ट लेटर कौन सा है? कैपिटल आर। इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट का सिम्बॉल हो गया आपका आर इफेक्ट। और मेजोमेरिक इफेक्ट का फर्स्ट लेटर कौन सा है? आपका कैपिटल ए। इसलिए मेजोमेरिक इफेक्ट का सिम्बॉल हो गया आपका एम इफेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट का हम किसमें पढ़ते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट तो सुन लो एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। वह एरोमेटिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड वाला केस भी होगा और साइक्लिक वाला भी केस होगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो सिर्फ उसी एरोमेटिक में होगा, मतलब बेंजीन का रिंग होगा और बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड होगा, समझे। वही वाला सबसे ज्यादा आपको यूज होगा, लेकिन फिलहाल ये ओपन चेन कंपाउंड में भी होता है रेजोनेंस। इसका देखिए पहले एग्जाम्पल बेंजीन का रिंग है। हम जानते हैं कि बेंजीन का रिंग बनाने के लिए 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लेते हैं। देखिए ये हो गया मेरा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन, और हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में हाउ मेनी पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस? तीन पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखिए सर, बेंजीन के रिंग में आखिर रेजोनेंस इफेक्ट हमको क्यों पड़ रहे, उसके पीछे वजह यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे दोस्त चैप्टर नंबर 4 में बॉन्ड लेंथ पढ़े। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता ना, तो उसका बॉन्ड लेंथ होता 1.54 एंगस्ट्रम। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ना, तो उसका बॉन्ड का लंबाई होता 1.34 एंगस्ट्रम। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो उसका बॉन्ड का लंबाई होता 1.20 एंगस्ट्रम। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है पता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है, क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ का सिंबल होता है आपका स्मॉल डी। स्मॉल डी डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर क्या है बॉन्ड लेंथ। देखिए हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट को मापने के लिए छोटा यूनिट यूज कीजिएगा। तो बॉन्ड लेंथ के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दोस्तों, वह एंगस्ट्रम होता है, नैनोमीटर होता है, एक आपका पिकोमीटर होता है, समझे। और जिस मेथड से बॉन्ड के लंबाई को कैलकुलेट करते हैं, वह मेथड है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, समझे। ये इंस्ट्रूमेंट एक तरह। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या है, हम लोग जान रहे सर कि 6 कार्बन का जब साइक्लिक चेन ले रहे थे, तो देख रहे थे कि कार्बन और कार्बन के बीच अभी तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड, उसका बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम है। लेकिन जब 6 कार्बन के साइक्लिक चेन में 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, तो मामला गड़बड़ हो गया। अब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आ गया, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आने की वजह से उसका बॉन्ड का लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम हो गया। और हम लोग जान लेते यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कोई नहीं है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है क्या? नहीं है। फिलहाल इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे सर कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम है और डबल बॉन्डेड कार्बन का 1.34 एंगस्ट्रम है। यहाँ पर बॉन्ड का लंबाई अलग अलग होने की वजह से हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, समझे। अब हम लोग का मकसद है कि हम लोग पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, मतलब पाई बॉन्ड को एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे और बॉन्ड की लंबाई को इक्वल करेंगे, समझे। रेजोनेंस का यही मतलब होता है कि स्टेबिलिटी गेन करना। अब देखिए मामला सोचते हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के पास देखिए ये दोनों कार्बन है। अब ये पाई बॉन्ड है सो यहाँ पर आने खोज रहा है। ये पाई बॉन्ड बोलता है कि यार हम तभी जाएंगे जब अपना फेवरेट गाना गाएंगे, तो इसका फेवरेट गाना है कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड यहाँ से उठा यहाँ पे शिफ्ट करके, ये तो केमिस्ट्री बहुत सा वर्ड होता है इसका,
इसको बोलेंगे पाई बोर्ड शिफ्ट कर गया, पाई बोर्ड का मूवमेंट हो गया, पाई बोर्ड का डी लोकलाइजेशन हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है डी लोकलाइजेशन। देखिए मानिए मेरा घर हजारीबाग है, यहाँ का हम लोकल हो गए, कोई भी फेस्टिवल आएगा हम घर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यहाँ का लोकल, लोकल का मतलब फिक्स, और डी लोकल का मतलब नॉट फिक्स, समझे। यहाँ पर देखिए पाई बोर्ड फिक्स कहाँ पे, यहाँ पे पाई बोर्ड शिफ्ट कर जा रहा है, फिर पाई बोर्ड यहाँ से उठकर यहाँ पर शिफ्ट कर गया, ये पाई बोर्ड यहाँ से उठकर यहाँ पर शिफ्ट कर गया। तब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा मामला, छह कार्बन का साइक्लिक चेन था, यहाँ पर छह कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए, पाई बोर्ड यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया, तो पाई बोर्ड शिफ्ट कर गया इस कार्बन तक, यहाँ पे पाई बोर्ड निकाल दिए, ये पाई बोर्ड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच गया, इस पाई बोर्ड को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, और ये पाई बोर्ड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच गया, ये पाई बोर्ड कुछ इस तरह से। अब देखिए मामला, अगर देखिए पाई बोर्ड का एरो वाला मामला देखिए, जरूरी उस तरह मूवमेंट नहीं हो रहा है, बुक में उस तरह शो करते हैं, इसलिए उस तरह दिखा दिए। देखिए मेरा यहाँ पर था पाई बोर्ड सिग्मा बोर्ड, पाई बोर्ड सिग्मा बोर्ड, पाई बोर्ड, देखिए यहाँ पे ये पाई बोर्ड कुछ इस तरह शिफ्ट करता है, एरो का हेड गया नेगेटिव चार्ज, एरो का टेल गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पाई बोर्ड इस कार्बन पे शिफ्ट किया, एरो का हेड गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पाई बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो एरो का हेड गया तो नेगेटिव चार्ज, एरो का टेल गया तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए दोस्तों ये पाई बोर्ड यहाँ पर टूट चुका है, मतलब डिसोसिएट हो चुका है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेंगे, यही देखिए पाई बोर्ड आ गया, समझ ये आ के सारा पत्थर है ना, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ा और पाई बोर्ड बन गया, देखिए यहाँ पाई बोर्ड आ गया, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ा और ये पाई बोर्ड देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पाई बोर्ड का शिफ्टिंग कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं, ये भी सही और ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गया, तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से, ये देखिए ये आपका कंप्लीट हेडेड एरो। अब देखिए अगर इस तरह भी कंप्लीट हेडेड दोनों डायरेक्शन दिखा दिए ना, इसको बोलेंगे डबल हेडेड एरो, ओके। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी एक और नाम है दोस्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसी का एक और नाम है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए कोई पूछेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस सिंबल से दिखाते हैं, तो ये याद रखिएगा डबल हेडेड एरो, ओके। अब क्या करें दोस्त, बना हुआ दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो स्ट्रक्चर हम लोग को ऑप्टेन होगा ना, वह होगा आपका रियल स्ट्रक्चर, और रियल स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट के साइन से दिखाते हैं, इक्विवेलेंट का साइन हो गया तीन को एरो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, इक्वल टू, समझे, इक्विवेलेंट का साइन हो गया तीन को सिंगल सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं है कि इक्विवेलेंट का साइज इक्वल टू। अब देखिए छह कार्बन का साइक्लिक चेन था सर, तो यहाँ पर लिखिए छह कार्बन का साइक्लिक चेन, ये हो गया मेरा छह कार्बन का साइक्लिक चेन। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड मेरा कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया, समझे, तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो एक जगह पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को दिखाएंगे डॉटेड लाइन से और इसको पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन सॉरी दिखा दूंगा, ये पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे ना किया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे किया तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, इसको पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से और पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से और पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से और पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, समझे। तो जो बेंजीन हम लोग चीज से देखते हैं दोस्त, बेंजीन आपको बताते हैं छह कार्बन का साइक्लिक चेन होता है, बीच में सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, समझे।
फिलहाल हमको इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, आप ऐसे भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, समझे। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, दोनों रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर को मिला है, तो जो स्ट्रक्चर ऑप्टेन हुआ उस स्ट्रक्चर का नाम है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, इसका एक और नाम है रियल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब जगह ही नहीं बचा, ध्यान रखिएगा, तीन नाम है इसका, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एक रियल स्ट्रक्चर, एक आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब देखिए दोस्तों, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर जा रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, तो उस समय जो एनर्जी लगता है ना, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते, उस एनर्जी को बोलते रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, तो लगने वाले एनर्जी का नाम है आपका रेजोनेंस एनर्जी। अब देखिए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना था, 1.54 एंगस्ट्रम, और डबल बॉन्डेड कार्बन का 1.34 एंगस्ट्रम। एक जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड का लंबाई है ना दोस्त, वो बॉन्ड का लंबाई है आपका 1.39 एंगस्ट्रम, समझे। अब ये पूरा रिंग का जो बॉन्ड का लंबाई है वो इक्वल आ गया 1.39 एंगस्ट्रम, इसी को कर कर गुण में 1.40 एंगस्ट्रम भी लिखता है। ठीक है, तो हम 1.39 लिख रहे हैं, कहीं ऑप्शन 1.40 देगा तो गलत नहीं है, वो सही है, अप्रोक्स वैल्यू लिख रही है। देखिए ये जो वैल्यू है दोस्त, वो आपको प्रैक्टिकली क्या बोलते लैब में कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला जाता है, समझे। अब उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर बैठ के, हमको थियोरिटिकल ये सब को याद रखना पड़ेगा, समझे। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम है, डबल बॉन्डेड कार्बन का 1.34 एंगस्ट्रम, और जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑप्टेन होता है उसका बॉन्ड का लंबाई 1.39 एंगस्ट्रम। अब पूरा बेंजीन का जो बॉन्ड का लंबाई वो इक्वल हो गया, समझे। तो फिलहाल इस बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये तीनों बेंजीन में सबसे करेक्ट जो बेंजीन है 100% प्योर ये स्ट्रक्चर, समझे। अब ये भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा, देखते हैं जब पढ़ाते थे शुरू में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते, समझे। और अब इन सो आने वाले में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए, अब पढ़ा दिए ना चल के। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम देख रहे सर, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का हो रहा है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, तो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है। अब बताइएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है क्या, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखिए, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का आपका मूवमेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन का एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एटम है, इससे ये पता चला सर कि इस कंडीशन में एटम का भी मूवमेंट मेरा यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब बताइए, ये जो बेंजीन है यह न्यूट्रल कंपाउंड है कि चार्ज कंपाउंड, न्यूट्रल है, इसी ये पता चला सर, इसके मुंडी पर नो चार्ज, इसका मतलब यहाँ जो चार्ज है ना, वो चार्ज भी हमारा रेजोनेंस के केस में हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, जो भी बेंजीन का रिंग हो, चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो, चाहे साइक्लिक कंपाउंड, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रेजोनेंस होने के लिए हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, चाहे sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रेजोनेंस में शो नहीं करता, यही दो कंडीशन है। लेकिन रेजोनेंस बोलता भी है कि सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे नसीब में था नहीं, वो मुझे मिला नहीं, समझे। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन दो ही को रेजोनेंस शो करेगा, एक sp2 शो करेगा और एक आपका sp, कभी भी रेजोनेंस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब हेडिंग दीजिए कॉपी में, देखिए रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट, क्लियर हुआ। उस दिन जो रेजोनेंस पढ़े तो वो अलग तरीके से पढ़ा, आज जो पढ़ा तो वो अलग ढंग से पढ़ा है, ठीक है। हेडिंग दिए रेजोनेंस इफेक्ट, देखिए, और मेजोमेरिक इफेक्ट भी लिखिए, देखो जल्दी फटाफट। इस सिंबल में आइए, सिंबल है इसका आर इफेक्ट, और दूसरा सिंबल आपका एम इफेक्ट।
पॉइंट नंबर वन लिखिए, मूवमेंट ऑफ, आज भी क्या पॉइंट नंबर वन में लिखिए, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर टू में आइए, नो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस, नो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। देखिए पॉइंट नंबर थ्री में आइए, नो मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, नो मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज रिमेंस कॉन्स्टेंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस should be either sp2 or sp hybridized। देखिए ये स्ट्रक्चर बनाइए, ध्यान दीजिए, ये लिखिएगा रेजोनेटिंग इसमें कैनोनिकल इमेज बनानी, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं सर, ठीक है। ये बोल्ट है जरूरी याद रखिए, 1.39 एंगस्ट्रम, ये सब ये बहुत बार जिक्र करता है कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसका बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, 1.39 एंगस्ट्रम। ओके, ये लो फिगर बनाइए।